नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बायोस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू। कार्यवाही से पहले विपक्षी पार्टियों ने जमकर नारेबाजी की। इधर विभिन्न दलों के विधायकों ने सदन के पटल पे कई सवाल रखे और बिहार में गिरती शिक्षा व्यवस्था और लगातार शिक्षा का हो रहा निजीकरण के खिलाफ माकपा माले विधायकों ने विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की। सरकार पे आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। जब शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाएगी तो समाज बेहतर हो जाएगा। प्रदर्शन कर रहे विधायकों से खास बात की हमारे संवाददाता प्रणव राज ने। शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ आज बिहार विधानसभा के बाहर जो माले के तमाम विधायक हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ आज जमकर हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ है, क्यों हंगामा कर रहे हैं, खुद बात करेंगे माले विधायकों से और जानेंगे। आज आप लोग शिक्षा के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ है, क्यों, किस तरीके? बिहार में नीतीश भाजपा सरकार सरकारी विद्यालयों को चौपट कर रही है और इसीलिए अस्थाई शिक्षकों की बहाली नहीं कर रही है, ठेकाकरण कर रही है। क्योंकि सरकारी विद्यालय में गरीबों, मजदूर, किसानों के, दलित, पिछड़ों, माइनॉरिटी के, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। जिस राज्य के विद्यालयों में सरकार के मंत्री, एसपी, डीएम, वकील, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, वो सरकारी विद्यालय कैसे, उस सरकारी विद्यालय कैसे सुधार होगा? बीएड में फी बढ़ा दिए हैं, ये गरीब का बच्चा बीएड नहीं करेगा। और तमाम बिहार के विश्वविद्यालय का सत्र नियमित नहीं है, 5 साल में बीए हो रहा है। राइट टू एजुकेशन के तहत निजी विद्यालय गरीब बच्चों का 25% जो उनका कोटा है नामांकन नहीं ले रही है, फर्जीवाड़ा करके अमीर बच्चों का ही नामांकन हो रहा है। और इसलिए शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ हम लोगों का प्रोटेस्ट है। और बिहार के विद्यालय में पढ़ाई में कोई गुणवत्ता नहीं है, बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। 26.27% बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी किए बिना पढ़ाई छोड़ देते। बिहार में 10वीं के पहले 32.1% लड़कियां पढ़ाई छोड़ देने के लिए मजबूर है। लेकिन शिक्षा मंत्री तो कहते हैं कि शिक्षा में काफी बेहतर काम हो रहा है। बेहतर काम हो रहा है, 37 लाख पद खाली है और 3 साल में मात्र 37,000 ही शिक्षकों की बहाली किए हैं और बेहतर काम हो रहा है। 3-4 स्कूलों को ये लोग मिला दे रहे हैं, मर्ज बोलते हैं कि मर्ज करके एक स्कूल, ताकि शिक्षकों की बहाली नहीं करना पड़े, ताकि बच्चे प्राइवेट स्कूल जा सके। शिक्षा के व्यापारीकरण, शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ हम लोगों का यह प्रोटेस्ट है। बिहार में आवाज उठा रहे हैं, बाहर में सुधार नहीं तो समाज सुधार का भी नहीं, समाज सुधार का ढोंग है। शिक्षा में सुधार किए बिना, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किए बिना, सरकारी नौकरी के बिना, महिलाओं के सुरक्षा सम्मान और ड्रॉप आउट रुके बिना समाज सुधार भी ढोंग। तो बिल्कुल इनके स्पष्ट कहना है कि जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा तब तक किसी भी क्षेत्र में सुधार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सदन में भी लगातार अपनी आवाज को उठा रहे और सदन के बाहर भी सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रख रहे हैं। धन्यवाद।